आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मैटर। सो मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। मैटर कोई भी ऐसी चीज जिसको रखने के लिए आपको जगह चाहिए हो और उसका कोई ना कोई मास हो। तो आपका चेयर है, टेबल है, पेन, पेपर, कॉपी, एवरीथिंग इज मैटर। इसी तरह से आपका जूस है या वाटर है, दैट इज ऑल्सो अ मैटर। और आपके पास कोई भी गैस है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या हीलियम गैस, दैट इज ऑल्सो मैटर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पूरी यूनिवर्स है वो मैटर से ही मिलके बनी हुई है। तो पहले हम कहते थे कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, और फिर बाद में हमने कहा कि वो पार्टिकल्स जो है वो बेसिकली एटम्स है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। मैटर हमारे पास तीन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में और गैस फॉर्म में। सॉलिड, लिक्विड, गैस एक दूसरे से शेप की बेसिस पे डिफरेंट है। फ्लूडिटी, वॉल्यूम, डेंसिटी, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। सॉलिड्स जो होते हैं दे हैव अ फिक्स शेप, जो जबकि जो लिक्विड्स हैं दे हैव नो फिक्स शेप, बल्कि इनकी वो शेप होती है जो किसी कंटेनर की शेप होती है। इसी तरह से जो गैसेस हैं उनकी भी अपनी कोई शेप नहीं है, कंटेनर की ही शेप होती है। जिस तरह अगर मैं आपसे कहूँ जूस की क्या शेप है, तो जूस की अपनी कोई शेप नहीं है, वो उसकी वही शेप होगी जिस ग्लास के अंदर वो होगा और जो ग्लास की शेप होगी। इसी तरह अगर एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो ऑक्सीजन गैस की अपनी तो कोई शेप नहीं होगी, उसकी वही शेप होगी जो कि किसी सिलेंडर की होगी। इसी तरह फ्लूइडिटी क्या चीज है। फ्लूइडिटी का मतलब होता है क्या आप उसको एक जगह से दूसरी जगह पोर कर सकते हैं, एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में। तो सॉलिड्स को तो हम पोर नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं कि इनकी फ्लूइडिटी जीरो है। जबकि लिक्विड और गैसेस जो है वो आराम से फ्लो कर सकते हैं। जिस तरह जूस है उसको आप आराम से एक ग्लास से दूसरे ग्लास में डाल सकते हैं, और गैसेस किसी भी गैस को भी एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में डाल सकते हैं। वॉल्यूम्स की बात करें तो सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन गैसेस जो होती हैं उनका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं हुआ होता, बल्कि वो एक्सपैंड होती रहती हैं ताकि वो पूरे कंटेनर को फिल करते हैं। इसकी एग्जाम्पल मैं ऐसे दे दूंगी आपको कि अगर आपके पास एक ग्लास है और उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 ml है, कि उसके अंदर 10 ml वाटर आ सकता है, लेकिन आप उसके अंदर 5 ml डालते हैं, तो आप देखने में आपको पता चलेगा कि आधा ग्लास तो खाली है और आधे ग्लास में पानी है। लेकिन अगर इसी तरह हमारे पास गैस है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 cm³ है, और आप उसमें 5 cm³ ऑक्सीजन गैस डालते हैं, तो आपको आधा सिलेंडर खाली नहीं मिलेगा, बल्कि वही 5 cm³ गैस एक्सपैंड होके पूरे सिलेंडर को फिल कर रही होगी। तो जो गैसेस हैं उनका कभी भी वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। डेंसिटी की बात की जाए तो सॉलिड्स की हाई डेंसिटी है, लिक्विड्स की हाई टू मॉडरेट, और गैसेस की लो डेंसिटी होती है। मूवमेंट और अरेंजमेंट बहुत डिफरेंट होती है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स की फिक्स पोजिशनिंग हुई होती है, हर पार्टिकल की एक फिक्स पोजिशन है और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके पार्टिकल्स जो है मूव नहीं कर पाते, बल्कि सिर्फ उनमें वाइब्रेशन हो रही होती है। हर पार्टिकल अपने स्पेसिफिक पोजिशन पर रह कर वाइब्रेट करता है। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स के अंदर ये क्लोजली पैक्ड तो होते हैं, लेकिन इनकी फिक्स पोजिशनिंग नहीं होती। पार्टिकल्स जो हैं उनकी कोई फिक्स पोजिशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत मूव कर लेते हैं। और गैसेस के अंदर पार्टिकल्स की बिल्कुल इररेगुलर अरेंजमेंट होती है। इनके जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इनकी मूवमेंट भी रेंडम मूवमेंट है। ये पार्टिकल्स आपस में भी टकरा रहे होते हैं और जो कंटेनर की वॉल है उसके साथ भी टकराते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो मूवमेंट है वो भी बिल्कुल रेंडम होती है। अभी जो हम कह रहे हैं, जो आपको ब्राउन डॉट्स नजर आ रहे हैं, जिसको हम बार बार पार्टिकल्स कह रहे हैं कि ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं और ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स हैं क्या चीज? ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं। अगर हम कोई हीलियम गैस की बात करें तो हीलियम गैस के अंदर आपके पास जो पार्टिकल्स होंगे वो हीलियम एटम होंगे। इस तरह के बहुत सारे एटम्स मिलके हीलियम गैस बनाएंगे। तो हीलियम गैस के अंदर पार्टिकल्स हीलियम एटम होंगे। इसी तरह से ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, तो जो इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलके वाटर बना रहे होंगे, तो वाटर के अंदर जो वाटर के अंदर हम कहेंगे वाटर पार्टिकल्स, वो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे।
और ये आपके पास नमक है जो कि हम खाने में डालते हैं, जिसको हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के अंदर ये आयंस की फॉर्म में होता है, और इसके देखिए आयंस की एक स्पेसिफिक पोजिशनिंग है, क्लोजली पैक्ड हैं, और सॉल्ट के अंदर ये पार्टिकल्स जो होंगे ये आयन से मिलके, बहुत सारे इस तरह के आयन्स मिलके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना रहे होंगे। अब काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर की बात की जाए, तो वो कहता है कि तमाम मैटर, तीनों की जो तीनों स्टेट्स है मैटर की, ये एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, क्योंकि पार्टिकल्स की अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती है तीनों स्टेट्स में, और इनकी मूवमेंट जो है वो भी डिफरेंट होती है। तो जो आपके पास पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, इसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं, और गैसेस के अंदर ये इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज्यादा होती है, लिक्विड्स में कम होती है, और गैसेस और सॉलिड्स में तो ना होने के बराबर होती है। और इस इंटरमोलिकुलर स्पेस के ज्यादा होने की वजह से जो गैस पार्टिकल्स हैं ये आपस में भी कोलाइड करते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं, और साथ ही साथ जो गैस कंटेनर है उसके साथ भी टकराते हैं, और इनकी बिल्कुल रेंडम मूवमेंट होती है। अब हम बात करते हैं कि वॉल्यूम का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो यह डायरेक्ट रिलेशनशिप है, जैसे कि ग्राफ में स्ट्रेट लाइन दिखा रही है कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। इसको हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ये डायग्राम आपके सामने है, इसमें आप देखें कि T1 से T2 में हम जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे ही गैस पार्टिकल्स को ज्यादा एनर्जी मिलती है, और वो ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और वो ज्यादा एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें कि वॉल्यूम का प्रेशर के साथ क्या रिलेशनशिप है, तो ये ग्राफ देख सकते हैं आप लोग कि ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, कि जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाएंगे वॉल्यूम कम होता जाएगा, और जैसे जैसे आप प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम ज्यादा होगा। इसको भी डायग्राम की फॉर्म में दिखाया हुआ है। सबसे पहले इन्होंने इसको ऊपर खींचा है, मतलब प्रेशर कम किया है, तो प्रेशर कम करने की वजह से अब गैस पार्टिकल्स ने ज्यादा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, एक्सपेंशन स्टार्ट कर दी, एक्सपैंड हो रही है गैस पार्टिकल्स, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ गया है। और सेकेंड में इसको वो नीचे पुश करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और प्रेशर के बढ़ाने की वजह प्रेशर आपका इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने की वजह से जो गैस पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर गया। यहाँ पे वॉल्यूम कम हो गया क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो गया। तो प्रेशर और वॉल्यूम और प्रेशर जो है दे आर इनवर्सली रिलेटेड टू वन अनदर। एक प्रेशर को बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर को कम करने से वॉल्यूम ज्यादा होता है।